खबरों के जैश के आतंकियों की एयरबेस पर आत्मघाती हमले की साजिश, हाई अलर्ट में श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अवंतीपोरा, हिंडन एयरबेस, जयपुर समेत 30 शहर भी निशाने पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जयपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल, धानक्या में कार्यक्रम का आयोजन। जोधपुर में फिर युवक बना ऑनलाइन ठगी का शिकार, सस्ती कार खरीदने के चक्कर में लगा 1,71,000 रुपए का चूना, फेसबुक पर विज्ञापन के जरिए आया झांसे। आरसीए विवाद पर क्रिकेटर दीपक चौहान ने बड़ा बयान दिया, दीपक चौहान ने कहा आरसीए विवाद के चलते राजस्थान क्रिकेट को काफी नुकसान हुआ, पिछले 6 साल से क्रिकेट पूरी तरीके से रुका हुआ। बांसवाड़ा में आपसी कहासुनी के बाद चचेरे भाई ने भाई पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, घायल को गंभीर अवस्था में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। के चिड़ावा में नाबालिगों के अपहरण का प्रयास करने वाले आरोपी विकास जाट को करीब 14 दिन के बाद पुलिस गिरफ्त में किया गया है, आरोपी पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया, पूछताछ जारी। जोधपुर में बिजली चोरी की जानकारी पर गई विजिलेंस टीम के साथ महिलाओं ने मारपीट की, संबंध में डिस्कॉम अधिकारी की रिपोर्ट पर चाकू थाने मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने मारपीट करने और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया। बांसवाड़ा के बाल संप्रेषण गृह से बाल अपचारी भागने का मामला सामने आया, भागने के दौरान अपचारी ने दो सुरक्षा गार्ड के सर पर सरियों से हमला किया, इससे दोनों घायल हो गए, दोनों गार्ड को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शाहपुरा के त्रिवेणी रोड स्थित तेजाजी मंदिर में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, चोरों ने मंदिर में दान पात्र के रुपए, पूजा का सामान चुरा लिया, चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, सीसीटीवी में 3 संदिग्ध युवक चोरी करते हुए दिखाई दे रहे। सीकर शहर में चोरों ने जैन मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, इस दौरान चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तलाश शुरू कर दी। जयपुर के करधनी इलाके में घर में घुसकर एक परिवार पर हमले का मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला किया, आरोपी हाथ में रिवॉल्वर, तलवार और सरिये लेकर आए थे, पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज किया है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। शहर के मोती डूंगरी थाना इलाके में भूड़ मिलने से सनसनी फैल गई, मुख बधिर स्कूल के पास भूड़ मिला है, इसे पुलिस ने एसएमएस मोर्चरी में रखवा दिया, भूड़ की जानकारी के लिए आसपास के अस्पतालों से संपर्क किया गया लेकिन अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। श्रीगंगानगर के अरूपगढ़ में पथरोड़ा गांव के पास नकाबपोश हमलावरों ने घरसाना में दिल्ली जा रही एक बस पर हमला कर दिया, इस दौरान हमलावरों ने बस के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर से मारपीट की, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। टोंक में नगर परिषद सभापति लक्ष्मी जैन के पति और बीजेपी नेता वेणी प्रसाद जैन पर हमला हुआ, मारपीट के बाद आरोपी युवक मौके से फरार, पुलिस को आरोपी की तलाश। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी टीम पूरे प्रदेश में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देने में लगी है, एडीजी क्राइम बीएल सोनी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। ब्यावर के जवाजा इलाके में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमार, डॉक्टर ने धरपकड़ कार्रवाई की है, डॉक्टरों को जगह जगह मेडिकल स्टोर से अवैध रूप से फैक्ट्रीज और अवैध दवाइयां बेची जा रही हैं, यहां से मिली दवाइयों को जब्त किया गया, दोनों मेडिकल संचालक के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में चंबल नदी के ब्रिज साइड पुलिया पर जल प्रवाह देखने आई एक युवती से अचानक मौके पर आए एक युवक ने पहले विवाद किया, फिर चंबल नदी में छलांग लगा दी, पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौजूद युवकों ने मोबाइल में कैद कर लिया। ब्यावर उपखंड के 2 अलग अलग गांव में 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया, घटना के बाद दोनों का उपचार राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कराया जा रहा है जहां दोनों का उपचार इस वक्त जारी है। दुर्गापुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला की करंट लगने से मौत हो गई, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। झालावाड़ जिले के सुरेल कस्बे के पास साहू नदी में डूबे युवक का शव गोताखोरों ने ढूंढ निकाला है, शव को सुनील अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया जहां से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। भरतपुर में एक लग्जरी प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की, बताया जा रहा है कि जानवर के अचानक बस के सामने आ जाने से बस पलट गई। और जयपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किसान खरीफ फसली ऋण पर बड़ी खबर आपको बता दें, अपेक्स बैंक से नाबार्ड से 95 करोड़ का ऋण लिया है अपेक्स बैंक ने, इस वक्त की बड़ी खबर, 40 करोड़ का ऋण ज्यादा ब्याज दर पर लिया गया है, 7.55% की इकोनॉमिक दर पर यह ऋण लिया गया है, 45 करोड़ का ऋण है, 4.50% की दर पर यह लिया गया, अब तक 2,971 करोड़ का ऋण किसानों को बटा है, 7,000 करोड़ का ऋण बाकी है अभी दिया जाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।
अब तक 2971 करोड़ का ऋण किसानों को बांटा जा चुका है। किसान खरीफ फसली ऋण पर बड़ी खबर, अपेक्स बैंक ने नाबार्ड से 95 करोड़ का ऋण लिया है। 40 करोड़ का ऋण ज्यादा ब्याज दर पर लिया गया। आपको बता दें कि 7.55% की इकोनॉमिक दर पर यह ऋण लिया गया है। 45 करोड़ का ऋण 4.50% की दर पर लिया गया है। अब तक 2971 करोड़ का ऋण किसानों को बांटा गया। संवाददाता आशीष चौहान इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, ये बड़ी खबर, अपेक्स बैंक ने अवार्ड से 95 करोड़ का ऋण लिया है, वो भी ज्यादा दरों पर। यानी जो पहले ऋण लिया गया था वो 4.50%, लेकिन अब जो लिया गया है वो 7.55%। जी बिल्कुल, हाल ही में नाबार्ड ने रियायती दर पर लोन देने से इनकार कर दिया था। करीब 4.5% की दर से ऋण दिया जाता है, लेकिन रियायती दर पर ऋण नहीं लेने के बाद देने के बाद में सरकार ने यह फैसला लिया कि जो जिस ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है उसी ब्याज दर पर लिया जाए। तो इकोनॉमिक ब्याज दर पर यह ऋण लिया गया है और करीब 95 करोड़ का ऋण जो है वो सरकार ने नाबार्ड से लिया है। तो कुल मिलाकर के जो फसली ऋण जो योजना है उसको सफल बनाने का पूरा प्रयास राज्य सरकार कर रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीर्घकालीन फसली ऋण के लिए 100 करोड़ का बजट जो है वो आवंटित कर दिया गया है, क्योंकि दीर्घकालीन फसली ऋण कुछ ही दिन में बांटे जाएंगे। तो बड़ी खबर ये है कि 100 करोड़ का फसली ऋण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर कर दिया है, स्वीकृत कर दिया है। क्योंकि फसली ऋण के साथ साथ दीर्घकालीन फसली ऋण भी किसानों को बांटा जाता है, तो इसके लिए 100 करोड़ का बजट जो है वो हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वीकृत प्रदान कर दी है। और इसके साथ साथ रबी का जो ऋण है वो भी वितरित किया जाएगा। 6000 करोड़ का फसली ऋण रबी में भी बांटा जाएगा, तो उसके लिए भी सरकार जो है नियमित रूप से प्रयास कर रही है। और आगे आने वाले दिनों में जो किसान है उसको थोड़ी मुसीबतें हो सकती है, क्योंकि रबी का जो ऋण है वो देरी से बट रहा है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि 100 करोड़ का जो दीर्घकालीन फसली ऋण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर कर दिया है। जी, लेकिन जो बड़ी दरों पर जो ऋण लिया जा रहा है आशीष, के आगे चलकर इसको कोई सरकार पर या बैंक पर कोई बड़ा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा इससे? जी बिल्कुल, असर साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि 7% ये ब्याज दर पर लिया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से 3% का ऋण जो है वो वहन किया जाता है और 4% राज्य सरकार वहन करेगी। यानी कि राज्य सरकार को 4% तक का जो अतिरिक्त ऋण का भार है वो वहन करना पड़ेगा। लेकिन अभी और पैसा आना बाकी है, अभी और ऋण बटना बाकी है, क्योंकि 7000 करोड़ का ऋण भी सरकार को अभी बांटना बाकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाबार्ड को एक बार फिर से पत्र लिखा जाएगा और उसके बारे में जो चर्चा की जाएगी कि आखिरकार केंद्र सरकार के सामंजस्य बैठाकर राज्य सरकार जो है किसानों को फसली ऋण बांटे। तो फिलहाल अभी बहुत बड़ा अमाउंट आना बाकी है, 94 करोड़ महज काफी नहीं है, क्योंकि 7000 करोड़ का ऋण जो है वो राजस्थान में अब भी बटना बाकी है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और सहकारिता विभाग भी लगातार नाबार्ड से संपर्क बनाए हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार किस तरह से 7000 करोड़ का फसली ऋण जो है वो बांटा जाएगा, क्योंकि जो डेट थी वो केवल 30 दिसंबर तक ही डेट थी। 30 दिसंबर तक राजस्थान के 21 लाख किसानों को फसली ऋण का लाभ दिया जाना था, लेकिन अब तक महज 8 लाख किसानों को ही। बिल्कुल, भारी संख्या में किसान अभी वंचित रह गए हैं इससे। बहुत शुक्रिया आशीष चौहान आपका पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर। और आइए फिर से शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 में अज्ञात बदमाशों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित के मुताबिक 3 बदमाश कॉलोनी में बैठकर शराब पी रहे थे और जब कॉलोनी के लोगों ने उन्हें टोका तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। दौसा जिले के लालसोट उपखंड में बिजली निगम के जीएसएस पर काम करने वाले एक युवक की जहरीले कीड़े से काटने से मौत हो गई। मौत को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। अजमेर में पेयजल सप्लाई देने वाले बीसलपुर बांध में पानी लगातार बर्बाद हो रहा है, इसके बावजूद भी शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।
झालावाड़ में पनवाड़ थाना इलाके के बोरेली गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने स्थित हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बकरी चोरी के आरोप में हिरासत में लेकर उसके साथ जमकर मारपीट की थी। उसको अंदरूनी चोटें आई, इससे उसकी मौत हो गई। बारह में प्याज, लोगों की आंखों में आंसू ला रही है। बीते एक हफ्ते में 40 रुपए किलो में बिक रहा प्याज खुदरा बाजार में 80 रुपए किलो पहुंच गया है। वहीं बारह के होलसेल मंडी में आज प्याज का थोक भाव 65 से 70 रुपए पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार बीते 7 दिन से प्याज रोज 5 से 10 रुपए महंगा हो रहा है, जल्द ही 100 रुपए पार होने वाला है। धौलपुर में चंबल नदी में आए उफान के बाद जलीय जीवों की हालत खराब हो गई है। इसी कड़ी में बसई डांग थाना इलाके के बरीपुरा गांव में एक घर में मगरमच्छ घुस गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर राजघाट चंबल नदी में छोड़ दिया। बारह शहर में आवारा मवेशी आम लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। जहां एक और शहर में मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी में भी आवारा पशुओं से आम ग्राहक परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। मौली थाना के नए एसएचओ राजकुमार मीणा ने कार्यभार संभालने के साथ ही सीएससी में फल वितरित कर सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। इस दौरान सीएससी स्टाफ के साथ ही मौली थाना के कई सदस्य भी मौजूद रहे। जयपुर का बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मी नारायण बाई जी मंदिर प्राइवेट नहीं सरकारी होगा। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद देवस्थान विभाग जल्द ही मंदिर पर अपना कब्जा लेगा। दो फाइल को देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मंजूरी दे दी। ब्यावर शहर के रेलवे लाइन के नीचे से गुजर रही जलदाय विभाग की बड़ी लाइन भी लीकेज हो रही है। इससे सैकड़ों लीटर पानी बैठ बर्बाद हो रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों में रोष है। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हनुमानगढ़ जिले में युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं। वहीं अब ये नशे की खेप गली मोहल्लों की जगह कॉलेजों तक सप्लाई होने लगी है। जिले के सबसे बड़े राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में ड्रग्स मिलने का सिलसिला वस्तु जारी है। छात्र कई बार विषय में कॉलेज और पुलिस प्रशासन के सामने भी अपना आक्रोश जता चुके हैं। पपला गैंग के आरोपियों को बहरोड से अलवर शिफ्ट किए जाने की संभावना है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से जेल सर्किल पर पुलिस बल तैनात किया गया है। राजधानी के शाहपुरा विधानसभा निवासी गजराज सिंह के देश की रक्षा में शहीद होने के बाद उनकी पत्नी बच्चों का पालन पोषण कर रही है। बता दें कि शहीद का एक छोटे भाई लोकेंद्र सिंह रजावत भी आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोटपुतली के नौरेहेड़ा कस्बे के पास 24 घंटे धूल मिट्टी का गुब्बार उड़ता रहता है। इससे नारेड़ा चोटिया के आसपास के ग्रामीण काफी परेशान हैं। धूल की वजह से कस्बे का हर तीसरा व्यक्ति खांसी से पीड़ित है। प्रेशर की उड़ती धूल से ग्रामीण एलर्जी जैसे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाशोत्सव पर पंजाब की पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी के लिए श्रीगंगानगर में 14 दिन तक विशेष रेल सेवा शुरू होगी। इससे सिख श्रद्धालुओं को फायदा होगा। ट्रेन में साधारण श्रेणी में 13 डिब्बे और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 15 डिब्बे होंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन की अनदेखी के चलते नए अस्पताल और एमबीएस के बायोकेमिस्ट्री विभाग में लगी बारकोडेटेड मशीन खराब हो गई है। इसके चलते मेडिकल जांच नहीं हो पा रही। जयपुर से भोपाल जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। स्वाइस जेट ने आज से शुरू की नई फ्लाइट। अब तक इस रूट पर सिर्फ एक ही फ्लाइट हो रही थी संचालित। बांसवाड़ा एसपी केशव सिंह शेखावत ने जिले के 7 थाना अधिकारियों की तबादला लिस्ट जारी की। इसके अलावा 8 एएसआई, 15 हेड कांस्टेबल, 56 कांस्टेबल के तबादले किए गए और कई चौकियों के प्रभारी भी बदले गए। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में तेज बारिश ने किसानों पर चिंता की लकीर खींच दी है। बारिश से बाजरे की फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। 4 दिनों में कुल 40 एमएम बारिश दर्ज की गई। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने राजस्थान की पायल जांगिड़ को बाल श्रम और बाल विवाह के सप्ताह समाप्त करने के अभियान के लिए चेंज मेकर पुरस्कार दिया है। पायल ने 12 साल की उम्र में अपनी शादी के खिलाफ आवाज उठाई। वो लगातार बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाती रही है। युगांडा में आयोजित किए जा रहे 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल रवाना हो गया है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 10 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सुदर्शन कुमार बिरला श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हाल ही में शुरू हुए बिरला पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने के निर्देश भी दिए।
खबर है मुंडावर के गांव बुनगड़ा आहिर में आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद राजकेसरी घासीराम यादव की समाधि पर पुष्प अर्पित करके बैठक की शुरुआत की। बैठक में निकाय चुनावों में प्रत्याशी उतारने, पार्टी की रीति नीतियों को आमजन तक पहुंचाने, पार्टी के संगठन विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। बानसूर के न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छह सूत्री मांगों को लेकर बानसूर बंद का समर्थन किया गया। बैठक के बाद रैली भी आयोजित की गई। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 8वीं इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गुड्स शो का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शो के दौरान सभी खेलों के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज प्रदर्शनी के साथ B2B मीटिंग का आयोजन भी किया गया। सीकर के पुलिस लाइन ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर रेंज राज्य स्तरीय खेलकूद बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन IGS सेगाथिर ने किया। पुलिस विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की कुल 33 टीमें हिस्सा ले रही। जोधपुर के भोपालगढ़ में SDM सुखाराम पिंडेल ने कस्बे को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद शुरू कर दी। SDM ने भोपालगढ़ कस्बे में बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों पर फैली अव्यवस्था, गंदगी और बबूल की झाड़ियों को हटाने के निर्देश भी दिए। जयपुर नगर निगम पहुंचे 24 देशों के प्रतिनिधि। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जानकारी, शहर में हो रहे कामकाज को भी देखा। रुद्रपुर शहर की स्वच्छता, हरियाली और सुंदरता के चर्चे देशभर में। इसी कड़ी में पड़ोसी राज्य गुजरात के 100 से अधिक पर्यटकों का दल पहाड़ों की नगरी पहुंचा, यहां के शांत वातावरण का आनंद भी लिया। जैसलमेर में UNFPA के प्रशिक्षण डॉक्टर जीरी लज्जा द्वारा जिले के 60 केंद्रों से आए लेबर रूम स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित प्रसव कराने के लिए जानकारी भी दी जा रही है। अलवर जिले के थाना गाजी कस्बे में अनुसूचित जाति छात्रावास में कुल 22 स्कूली छात्राओं को राज्य सरकार की योजना के तहत स्कूटी वितरित किया गया। विकास अधिकारी नाहर सिंह मीणा ने कार्यक्रम में 22 छात्राओं को स्कूटी वितरित की। अलवर जिले के रैडी ग्राम पंचायत में राजकीय प्राथमिक स्कूल में 64वीं छात्र ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें ब्लॉक के 40 टीमों ने 244 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिए गए। प्रदेश सरकार के खाद्य और नागपुर नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्री सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने विभागवार सभी अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। सभी अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। रमेश मीणा ने बांसवाड़ा शहर के सर्किट हाउस की व्यवस्थाओं में खासी नाराजगी जताई। मंत्री मीणा ने बताया कि कमरों की हालत बहुत खराब है, कमरों में प्लास्टर गिर रहा है। प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव और खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जरूरी निर्देश भी दिए। अमरकर थिएटर अकेडमी की तरफ से रविंद्र मंच सभागार में अखिल भारतीय लघु नुक्कड़ एकल नाट्य प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पहले दिन बोध एक यात्रा अदृश्य नाटकों का प्रभावी मंचन भी किया गया। अजमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक चिंतक और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल स्मारक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल की जयंती पर जयपुर का धानाकिया गांव बीजेपी और RSS के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है। धानाकिया गांव में बना यह स्मारक अब बीजेपी के लिए लगातार एक आस्था स्थल के रूप में विकसित होता जा रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पोरबंदर से शुरू हुई जवानों की विशेष साइकिल रैली बीकानेर पहुंची। BSF के जवानों ने इस जवानों का विशेष स्वागत भी किया। इस मौके पर BSF के अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्वालियर में कैश हुआ वायुसेना का ट्रेनर एयरक्राफ्ट MiG-21। वक्त रहते दोनों पायलट ने कूदकर बचाई जान। इस साल MiG-21 के क्रैश होने की यह तीसरी घटना। पीएम नरेंद्र मोदी को एक और इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत अभियान चलाने पर पीएम मोदी ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किए गए। मिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया। अवार्ड मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की और साथ ही कहा, स्वच्छ भारत मिशन ने देश में लाखों जिंदगियों को बचाया, साथ ही इससे गांव में रोजगार बढ़ा। इसके अलावा फिट इंडिया से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पिछले 5 सालों में भारत में 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। 1 साल में दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर साफ और कड़ा संदेश दिया। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी आतंकवाद से सही तरीके से निपट रहे। ट्रंप ने अपनी बातचीत में पीएम मोदी से
सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से हमेशा बातचीत की कोशिश की लेकिन जवाब में हमेशा धोखा ही मिला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं लाहौर गया लेकिन पठानकोट पर हमला हुआ। मुलाकात में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से भारत में 42,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। पीएम ने साफ साफ कहा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लेगा तब तक उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। दोनों नेताओं के बीच इस्लामिक आतंकवाद और इसको रोकने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कट्टरपंथ का स्तर बेहद कम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कट्टरता है। मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी भारत के रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ले की तरह लोकप्रिय हैं। मशहूर सिंगर और एक्टर एल्विस प्रेस्ले अमेरिका में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। एल्विस को 20वीं सदी का कल्चरल आइकन माना जाता था। न्यूयॉर्क में मौजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय में आज इंडो पैसिफिक आइलैंड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में पीएम मोदी समेत कई देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। समिट में समंदर की सुरक्षा, आतंकवाद, कारोबार को लेकर बातचीत हुई, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बातचीत हुई। वर्ल्ड वलोच ऑर्गेनाइजेशन में न्यूयॉर्क में हो रहे संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत की गई। इसका मकसद दुनिया को बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के हो रहे अत्याचार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में 150वीं गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और दक्षिण कोरिया और राष्ट्रपति मून जे ने गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गांधी जी पर एक डाक टिकट को भी जारी किया। यूएन में गांधी जयंती पर हुए विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दुनिया से गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की अपील की। पीएम ने कहा कि हमें हाउ टू इम्प्रेस की जगह हाउ टू एम्पायर पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। देश के बड़े एयरवेज पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह अलर्ट किया। इसके मुताबिक जैश के 8 से 10 आतंकवादी एयरवेज पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद श्रीनगर, अवंतीपोरा, जम्मू, पठानकोट, हिंडन एयरवेज की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अपना नाम बदल लिया है। जैश ने अपना नाम बदलकर मजलिस बोलसा ए शुहदा जम्मू व कश्मीर रखा है। अब इस संगठन की कमान मसूद अजहर के भाई को दी गई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला। ट्रंप ने कहा ईरान आतंकवाद में दुनिया का नंबर एक देश है। हाल ही में सऊदी अरब में तेल प्लांट पर हुए हमले का भी ट्रंप ने जिक्र किया। यूएन में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर दुनिया को धोखा देने का लगाया आरोप। ट्रंप ने कहा कि 2001 में WTO में शामिल होने पर चीन ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। साथ ही चीन की वजह से अमेरिका को 60,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को गंवाना पड़ा। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 70 लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया है। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का यह पूरा मामला 2007 से 2011 के बीच का है। पंजाब के राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। सितंबर महीने में पंजाब सीमा में ड्रोन्स के जरिए 4 दिन में 8 बार हथियारों की खेप पहुंचाई गई। ये खेप पंजाब के तरन तारण जिले में पहुंचाई गई है। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश है। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आज बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है। इसके चलते महापुरुषों की मूर्तियां साफ की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और कई सांसद भी मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इंकार किया। जयशंकर ने कहा कि जो देश भारत में आतंकी कार्रवाई करवा रहा है उसे किसी भी लेवल पर बातचीत नहीं हो सकती। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में हुए एक कार्यक्रम में जयशंकर ने यह बात कही। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार शाम को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। जम्मू में पुलिस को एक जिंदा ग्रेनेड मिला है। रियासी में एक सरकारी स्कूल के पास ग्रेनेड मिला है। पुलिस के ग्रेनेड को कब्जे में ले लिया है। स्कूल के पास ग्रेनेड कैसे पहुंचा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित छात्रा को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। पीड़ित और उसके 3 साथियों पर चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप। इस केस में SIT पीड़ित से पूछताछ करना चाहती है। CISF ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से नकली टिकट लेकर टर्मिनल 3 में घुसे एक व्यक्ति को पकड़ा है। नकली टिकट के साथ पकड़ा व्यक्ति एयरपोर्ट पर अपनी बहन और भांजे को विदा करने आया था। बाद में CISF ने आरोपी को दिल्ली पुलिस के हवाले किया।
लिए। एनसीआर के घरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक सर्वे के मुताबिक घरों में धूल भरे घरों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस घरों में पहुंच रही है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर भी हवा में से खतरनाक कणों को कम करने की बेअसर हो रहे हैं। और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर बता दें।